बहुत ही खूबसूरत बैक टू बैक तीन गाने नफीस जी ने हम सबको सुनाए। आशा करते हैं कि ये सभी नगमे आपको पसंद आए होंगे। फिर से एक बार दो गानों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं बुलाती हूँ आज की हमारी फीमेल आर्टिस्ट दीपाली शास्त्री को। दोस्तों, अब जो ड्यूएट्स हम यहाँ से सुनाने जा रहे हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत और यूनिक ड्यूएट्स हैं। सबसे पहला गाना है फ्रॉम द फिल्म दिल के दो अफसाने, दिल के 100 अफसाने। दोस्तों, जनरली हम जानते हैं कि राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी ने मोस्टली गाने गाए हैं। इस फिल्म में भी सारे गाने मुकेश जी ने गाए थे, लेकिन एक गाना रफ़ी साहब ने गाया था क्योंकि मुकेश जी उस टाइम अवेलेबल नहीं थे और रफ़ी साहब को सिर्फ डबिंग वर्जन गाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब राज कपूर साहब ने उनका ये डबिंग वर्जन सुना तो उनको उतना पसंद आया कि उन्होंने ये फैसला कर दिया कि यही गाना फिल्म में जाएगा। और सचमुच उस फिल्म का एक ये बहुत ही यादगार गाना बना। मुकेश जी ने भी कहा कि अगर ये गाना मुझसे गवाते तो शायद मैं रफ़ी साहब जितना खूबसूरत तरीके से नहीं गा पाता। तो ये एक बहुत ही अनोखा सा गाना है। दूसरा गाना दूज का चांद फिल्म से है और ये फिल्म को प्रोड्यूस किया था एक्टर भारत भूषण जी ने। फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी, भारत भूषण जी को बहुत ही लॉस हुआ था फाइनेंशियली, लेकिन इस फिल्म का जो गाना है वो बहुत ही यादगार रहा उस समय भी और आज भी रफ़ी साहब के चाहने वाले इस नगमे को बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे ही दो खूबसूरत दो गाने आपकी नज़र हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय टुगेदर। थैंक यू। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। जैसे चमन में एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो, चैन है तुम्हीं से है करार। तुम ना रूठ ना के रूठ जाएगी बहार। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में।